वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स आप सभी का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर और एज यूजुअल आज हम पढ़ेंगे अपने जीके के सेगमेंट को जीके की क्लास में हमने अब तक जिन टॉपिक्स को कवर किया है उनमें हम पहुंचे हैं मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया में इसका मतलब मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया का जब हम डिस्कसन कर रहे हैं तो इट इज़ पार्ट सेवन ऑफ दिस लेक्चर सीरीज सातवां पार्ट है जहाँ पर हम पहुँचे हैं और आज हमने जो चीज़ें पढ़नी हैं उससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार उसका जिक्र कर लूँ मेजर रिलीजन में हमने हिंदुज़्म पढ़ लिया है हमने सिख सिखिज़म पढ़ लिया है वी हैव लर्नड अबाउट बुद्धिज़म एज वेल एंड जैनिज़म अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इन सारे रिलीजन को मैंने आपको बताया था कि ये वो रिलीजन है दैट आर ओरिजिनेटेड इन इंडिया दिस इज द फैक्ट ऑल्सो ओके इफ आस्क यू और इफ द क्वेश्चन केम लाइक दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया तो इनमें से जो अलग होगा जो नया कोई क्रिस्टियानिटी या फिर कोई इस्लाम या इस तरीके के रिलीजन्स होंगे जो इनसे अलग हैं अगर उनका जिक्र आता है तो आपको वो अपना सही ऑप्शन चूज करना है इन सब के बाद जो हम अपनी लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वो थी क्रिश्चियनिटी की और क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट इज द प्रोमिनेंट फिगर हिंदुज्म को छोड़ दें तो सिखिज्म में आपको दिखते हैं गुरु नानक देव जी और वहाँ से लेकर के गुरु की एक परंपरा जो कि गुरु गोविंद सिंह जी तक जाती है सिखिज़म के बाद हम आते थे बुद्धिज़्म में तो यहाँ पर हमें दिखते हैं गौतम बुद्ध मैच जो फॉलोइंग आएगा तो मैच कर लेंगे आप लोग आराम से ये तो बहुत सरल है ऐसे ही बात आती है जब जैनिज़्म की तो महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर तो क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें तो एक फिगर है भाई प्रोमिनेंट फिगर जीसस क्राइस्ट हम सभी जानते हैं मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा ऐसे कि आपको शायद पता ना हो ओके बिकॉज हमें सबको एड्रेस करना है क्रिश्चियनिटी की बात जब हमने शुरू की थी तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी लेकिन सबसे पहले हमने देखा था कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी कैसे पहुंची और इंडिया में क्रिश्चियनिटी पहुंची थी विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन मिशनरीज और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ आपको ले जा रहे थे लेट इस डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं कि ये इलाका है यूरोप का और यहाँ है एशिया और एशिया के साउथ में है इंडिया यानी कि साउथ एशिया का हिस्सा है इंडिया हल्का सा अब इसमें मैप बनाऊँगा तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं तो बहुत बड़ा मैप नहीं बनाते हैं। ऐसा कुछ इंडिया का कोस्टल रीजन है यहाँ कहीं यूरोप है और यहाँ कहीं है एशिया और यूरोप और एशिया मिलके यूरेशिया होता है और यहाँ कहीं हुआ करता था रोमन एम्पायर जो कि यूरोप में भी और एशिया के कुछ हिस्से में भी फैला हुआ था फोर्टीन फिफ्टीनथ सेंचुरी के आसपास अफ्रीका सेंट्रल एशिया इन सब इलाकों से घूम करके रोमन एम्पायर पर हुआ हमला और इस रोमन एम्पायर को यहाँ से हटा दिया गया रोमन एम्पायर की जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी जो नॉलेज थी वो उन लोगों के साथ जो रोमन एम्पायर का हिस्सा थे भाग करके जो पहुँच चुके थे यूरोप के अंदर के इलाकों में वहाँ पहुँची so the knowledge gone to europe is jagah par roman empire ki jagah li ottoman empire ne ottomans are basically the followers of islam while romans are Christians या फिर वो Christianity को भी Christianity को मानते थे अब इतनी सारी बातें होने की वजह से यूरोप और एशिया के बीच में ऑटोमन एम्पायर आ गया और अगर किसी यूरोपियन को एशिया तक पहुंचना था तो बीच में ऑटोमन एम्पायर से होकर के जाना पड़ता ऑटोमन एम्पायर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे प्लस ऑटोमन एम्पायर उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स या फीस भी चार्ज कर रहा था अब यूरोप को नया रूट तलाश करने की जरूरत महसूस हुई वो इसलिए भी हुई बिकॉज जो ये यूरोप का इलाका है इस यूरोप के इलाके में मैंने बोला कि नॉलेज पहुंची, ये जो नॉलेज है ना ये इन फॉर्म ऑफ बुक्स पहुंची, एशिया इंडिया सऊदी अरेबिया इन सब रीजन्स में जो भी विजडम हुआ करती थी जो भी नॉलेज हुआ करती थी जो भी ज्ञान हुआ करता था वो सारा का सारा ज्ञान अपने अपने ट्रैवलर्स के थ्रू अपने अपने रीजन्स के रूलर्स के रिलेशन्स के थ्रू कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर तक भी पहुंचता था और रोमन एम्पायर के अंदर जो लोग स्कॉलर्स होते थे वो लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते भी थे लेकिन जब रोमन एम्पायर पर हमला होता है ऑटोमन एम्पायर वहाँ छा जाता है तो ये सब बुक्स ले करके जो कि एक तरीके से नॉलेज बेस था बहुत दुनिया भर की चीज़ों का जिसमें इंडियन एंड अरेबियन लिटरेचर नॉलेज प्चर सब शामिल थे वो सब भी रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पहुंच जाता है यूरोप यूरोप के लोगों ने इतने दुनिया भर की चीजें जब पढ़ी क्योंकि जो लोग भाग करके बुक्स लेकर के वहां गए उन्होंने महसूस किया कि अगर इस तरीके की दोबारा कोई इंसिडेंट होता है तो नॉलेज का क्या होगा ये तो एक बुक है ही डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा तो उन्होंने उनकी फोटोकॉपीज़ बनानी शुरू की हालांकि तब फोटोकॉपी मशीन नहीं थी तो हैंड रिटन कॉपीज़ बनानी शुरू की ऐसे जो नॉलेज था इन बुक्स का वो ज़्यादातर लोगों में फैलने लगा और फिर लोगों का जो सोचने का तरीका है वो भी बदलने लगा बिकॉज़ ये जो बुक्स थी इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको सोचने पर मजबूर करती हैं लाइफ और उसके अराउंड की चीज़ों के बारे में जब यूरोप में ऐसा हुआ कि लोगों के पढ़ने लिखने की वजह से उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आने लगा बिकॉज उन्हें फार ईस्ट जो कि इंडिया और उसके आसपास का रीजन है वहाँ से आने वाली नॉलेज डायरेक्टली अपने हाथों में मिलने लगी तो उन्हें एक नए तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग अवगत हुए ऐसा जब हुआ तो यूरोप में हुआ रैनेसा इसको रैनेसा को पुनर्जागरण भी कहते हैं यानी कि यूरोप में क्या हुआ यूरोप में लोगों के सोचने समझने का तरीका बदला यूरोप में लोगों ने चर्च जो होता था क्रिश्चियनिटी के अंदर चर्च एक्सेट्रा होते हैं वो काफी पावरफुल हुआ करते थे उनके खिलाफ जाना शुरू किया रिलीजन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाना शुरू किया ये सब चीजें तो हुई ही साथ ही साथ उन समय पर नए साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हुए तो यूरोप के लोगों ने एक रास्ता ढूंढ निकाला विथ द सी रूट टू रीच इंडिया यहाँ पर बीच में मेडिटेरेनियन सी है और इधर कहीं पर अपना पड़ता है अफ्रीका ओके okay? मैप में ढंग से बना नहीं पाऊंगा बट आप समझ चुके होंगे तो यूरोप से घूम करके इधर तक पहुंचा सबसे पहले वास्को डिगामा और जब इसने यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद करके वापस यूरोप में जाके बेची तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टाइम्स प्रॉफिट कमाया था मतलब सिक्सटी परसेंट मोर ही गेंड और हमने एग्जांपल दिया था कि हंड्रेड से सीधे सिक्स थाउजेंड रुपीज अगर सौ रुपया किया तो 6000 छः हजार कमाए इतना बड़ा मुनाफा कभी नहीं मिला किसी को और जब वास्को को ये मिलने लगा तो फिर यूरोपियंस ने भी कोशिश की इंडिया आने की यूरोपियंस इंडिया आए ताकि यहाँ पर आकर के प्रॉफिट कमा सकें मुनाफा कमा सकें और अल्टीमेटली अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकें तो जो इंडियन नॉलेज थी जो डिज़ायर्स के खिलाफ बात करती है जो अल्टीमेट ट्रुथ की बात करती है उन सब चीजों को पढ़ करके दोबारा अपने डिजायर्स को फुलफिल करने यहां पहुंच गए बट खैर यूरोपियंस इंडिया आए विथ द इंटेंशन ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड मगर जब उन्होंने यहाँ आकर के सिचुएशंस देखी तो आपको मालूम है एक पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री है हमारी इन्हीं यूरोपियंस में से जिनमें सबसे पहले आए पोर्चुगीज यूरोपियंस में सबसे पहले वास्को डिगामा पोर्चुगल का था तो आप पुर्तगाल भी कहते हैं उसके बाद आते हैं डच जो कि नीदरलैंड नाम के देश से आते हैं इसी को हॉलैंड भी कहते हैं उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स यानी कि विद इन सम ईयर्स टाइम पीरियड धीरे धीरे यूरोप से अलग अलग कंट्री है पॉर्चुगल एक कंट्री है नीदरलैंड एक कंट्री है ब्रिटेन एक कंट्री है वहां से लोग या फिर ट्रेडर्स आने लगे और वो इंडिया में भी पहुँचने लगे ज्यादातर लोग इंडिया ही आना चाहते थे बिकॉज इंडिया में वो सारी चीजें मौजूद थी इस सीक्वेंस में ये लोग आए ओके और इस सीक्वेंस में जब ये लोग आए तो इंडियन कंडीशंस को देखते हुए इन्होंने सोचा कि मोर प्रॉफिट गेन करना चाहिए हाउ कैन वी गेनिंग गेन मोर प्रॉफिट बाय कंट्रोलिंग इंडिया हाउ कैन वी कंट्रोल इंडिया बाय कैप्चरिंग देयर टेरिटरीज भाई जो राजा महाराजा थे उनके इलाकों पर कब्जा कर लो इंडिया पर धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा लेकिन इन सबसे ऊपर एक बात थी जो कि कहीं बैकडोर पर चल रही थी वो थी बाय कन्वर्टिंग इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी अगर इंडियंस भी क्रिश्चियन बन जाएंगे अगर इंडियंस भी क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हमारे जो रहने सहने के तरीके हैं जो हमारे फेथ हैं जो हमारे बिलीव्स हैं वो भी एक जैसे हो जाएंगे इसका मतलब इट इज इजी टू इंटरेक्ट विथ एन इंडियन क्रिश्चियन और वी कैन से इट इज Easy to interact with a converted Indian Christian rather than an Hindu Indian. ek hindu भारतीय se interaction करना या उसके साथ trade relations बना पाना या उसे convince कर पाना शायद मुश्किल हो. लेकिन अगर कोई Indian क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन बिलीव सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रिलीजन हम उसे कन्विंस कर सकते हैं अपने साथ ट्रेड करने के लिए या जो हमारा ट्रेड है उसको बेहतर बनाने के लिए उसकी मदद ले सकते हैं विथ दैट इंटेंशन क्रिश्चियनिटी केम इन इंडिया ये एक कॉन्सेप्ट है और इसके तहत ही सिक्सटीन सेंचुरी आते आते जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तब जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भी काफ़ी सारे इंडिया में आने लगती हैं तो वाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द रिलीजन्स हमें तो रिलीजन के बारे में पता करना है कि रिलीजन कहाँ से पैदा हुआ कौन प्रोमिनेंट फिगर है उसका कोर प्रिंसिपल क्या है उसके स्क्रिप्चर्स क्या हैं उसकी टीचिंग्स क्या हैं वो सब छोड़ करके हम ये पता लगाने में लगे हैं कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी कब आई और वो भी सिर्फ एक दो सेंटेंस की बात नहीं हम उसको पूरा कॉन्सेप्ट की तरह समझा रहे हैं वाई बिकॉज वी आर स्टडींग द चैप्टर मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया हम भारत के बड़े धर्मों की या बड़े पंथों की या बड़े रिलीजन्स की बात कर रहे हैं और उसमें एक क्रिश्चियनिटी भी है लेकिन क्रिश्चियनिटी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई इसलिए हमें ये बताना होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि क्रिश्चियंस या क्रिश्चियनिटी इंडिया में सबसे पहले कब आती हुई दिखती है तो इसी लिए हमने आपको ये सारी की सारी कहानी सुनाई फ्रॉम दिस स्टोरी और फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट योर हिस्ट्री और हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो खैर यूरोपियंस आते हैं उसके बाद अमेरिकन भी इंडिया आते हैं और इस तरीके से क्रिश्चियनिटी भी उनके साथ विथ द ट्रेडर्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो केम टू इंडिया तो ये एक रीज़न है भाई कि इंडिया में क्रिश्चियन लोग होने लगे बिकॉज कुछ लोग जो थे वो कन्वर्ट ज़रूर हुए ऑलवेज देर आर सम पीपल हु कैन कन्वर्ट देयर फेथ फ्रॉम वन टू दी अदर और उसी तरीके से इंडिया में भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन अब दिखने लगी अब ये तो बात थी भाई इंडिया में क्रिश्चियनिटी के आने की और अब हम अपने पुराने तरीके पे वापस आएंगे व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी क्या है उसमें ज़रूरी बातें और कौन सी उसकी होली बुक्स हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट है तो द फर्स्ट थिंग इज द बिलीव्स एंड द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या मानते हैं क्रिश्चियन लोग या किसने शुरू किया क्रिश्चियनिटी को और उसकी उनकी होली बुक क्या है होली बुक तो भाई एक ही है बाइबल उसमें बहुत सारे वर्जन हैं और बहुत सारे उसके आ, आप कहते हैं ओल्ड न्यू टेस्टमेंट और बाइबल ये सब कुछ चीज़ें हैं तो खैर वो चीज़ें देखेंगे सबसे पहले देखते हैं ये जो क्रिश्चियनिटी है इसमें बाइबल जो होली बुक है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल है द रिलीजियस परसेप्ट ऑफ क्रिस्टियानिटी आर कंटेन्ड इन दियर होली बुक कॉल्ड बाइबल जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी में माना जाता है वो सब कुछ आपको बाइबल से पता चल जाएगा यानी कि ये एक बुक पढ़ करके आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत कुछ या लगभग सब कुछ समझ सकते हैं ओके तो गिव मी वन मोमेंट ओके तो आप क्रिश्चियनिटी के बारे में समझना चाहते हैं तो बाइबल पढ़े जीजस क्राइस्ट द सेकेंड पॉइंट जीजस क्राइस्ट इज कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर इन क्रिश्चियन फेथ ही वॉज ट्रूसीफाइड एट द यंग एज ऑफ थर्टी थ्री ईयर्स हाई क्रिस्टी की बात है और जीजस क्राइस्ट से यह शुरू होती है नाम ही है जीजस क्राइस्ट और क्राइस्ट का ही वर्ड है इससे आप क्राइस्ट के फॉलोअर्स को क्रिश्चियंस कहते हैं मैंने आपको एक पैटर्न बताया था रिलीजन का फिर से उसको दोहरा देता हूँ आज थोड़ा जल्दी मैं बता दूंगा क्योंकि पिछली क्लास में बताया एक थॉट कैसा थॉट ऑफ हाई लेवल एक इंसान ढूंढ निकालता है कुछ बातें ज़रूरी जो जीवन और लाइफ से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर गुरु नानक देव जी हों यहाँ पर गौतम बुद्ध हों महावीर स्वामी हों या फिर हों इस केस में जीसस क्राइस्ट ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ को डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखा और कुछ ऐसी बातें बताई जो कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी लाइफ को सही से जी सकें उन्होंने अपनी लाइफ के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करते हुए कुछ चीज़ें सीखी और बाक़ी लोगों के मुकाबले उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें सीखी इसलिए उन्होंने उस चीज़ को फैलाया और उस चीज़ को और लोगों को बताने की कोशिश की इसी के थ्रू एक जो हाई लेवल का थॉट है वो अपने फॉलोअर्स या अपने डिसाइपल्स की मदद से वो फैलाते हैं कुछ ये फिगर याद आ रहा होगा पिछली क्लास में बनाया था दीज आर द फॉलोअर्स ऑफ जीजस क्राइस्ट तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच बनाए हैं लेकिन बहुत और हो सकते हैं इन फॉलोअर्स ने भी इन बातों को और फैलाया और अब मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे मुझे और पूरा ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से एक इंसान की सोच पूरी सोसाइटी तक फैल गई और उन लोगों ने भी उनके उन थॉट्स को उनके उन विचारों को सुना समझने की कोशिश की और इसी के बाद हम देखते हैं कि पूरी सोसाइटी में जब चीज़ें फैलती हैं तो फिर उनका इंटरप्रिटेशन चेंज होने लगता है एक इंसान एक बात से कुछ और मतलब निकालता है दूसरा इंसान उसी बात से कुछ और मतलब निकालता है और फिर डिवीज़न हो जाता है एक ही रिलीजन में और फिर आपको हर एक धर्म में हर एक रिलीजन में डिवीजन देखने को मिले थे सेक्शंस देखने को मिले थे वैसा यहाँ भी होगा बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग दैट द जीजस क्राइस्ट जो भी कहते हैं उनकी बात फैलते फैलते पूरी दुनिया तक फैलती है और फिर वो क्रिश्चियनिटी बन जाती है तो द सेंट्रल फिगर इन द क्रिश्चियनिटी इज जीजस क्राइस्ट लेकिन अनलाइक द अदर रिलीजियस फाउंडर या अदर रिलीजंस फाउंडर जीजस क्राइस्ट हैज नॉट गेंड द पॉपुलरिटी और द गुड फेथ वैन ही वॉज अलाइव बेसिकली जीसस क्राइस्ट जो बातें कहते थे उसको उस समय के इज़राइल के लोग कहें या जेरूसलम के आसपास के लोग कहें वो ठीक नहीं मानते थे उनके अपने बिलीफ सिस्टम थे और जीसस क्राइस्ट कहते थे कि आपके बिलीफ सिस्टम में ये ये कमियां हैं और ये बात सोसाइटी को पसंद नहीं आती थी हालांकि जीसस क्राइस्ट की बात को समझने वाले और उनको फॉलो करने वाले लोग भी बन चुके थे हर एक सोसाइटी में एक ही जैसे लोग नहीं होते हैं बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं कुछ लोग ऐसे थे कुछ एक छोटी सी भीड़ ऐसी थी जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती थी उनके शिष्य बन चुके थे वो उनके डिसाइपल्स बन चुके थे मगर ज़्यादातर सोसाइटी में जो लोग थे वो जीसस क्राइस्ट का अपोज करते थे उनकी बातों को गलत मानते थे क्योंकि जीसस क्राइस्ट हो या कोई भी संत हो या कोई भी समाज में सोसाइटी में रिफॉर्म करने वाला इंसान हो उसको सोसाइटी शुरू में एक्सेप्ट नहीं करती है बिकॉज ही और शी डिमांड्स सम चेंज फ्रॉम द सोसाइटी और सोसाइटी जो लगातार चीज़ें करती आती है उनको ही बनाए रखना चाहती है सोसाइटी डोंट चेंज ईजीली आपके जो कस्टम्स हैं आपके जो ट्रेडिशंस हैं जिनमें आपका फेथ है वो आप नहीं चेंज करेंगे बिकॉज यू आर ग्राउंडेड ऑन देम और हो सकता है कि वो चेंज करने की जरूरत भी ना हो लेकिन अगर किसी केस में कोई आपसे उन्हें चेंज करने की बात कहे तो हो सकता है कि आप उसकी बात ना सुने इंडिया में कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं लेकिन यूरोप में अगर कोई आपके ट्रेडिशन आपकी वैल्यूज को उस समय पर जब जीजस क्राइस्ट हुए थे चैलेंज करता है उनको गलत ठहराता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ आपके मन में बहुत गुस्सा पैदा होता है और जीसस क्राइस्ट के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लोग बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने लास्ट में जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया क्रूसीफाई का मतलब क्रूस पर चढ़ा दिया इस तरह का जो प्लस ना जैसा सिंबल होता है जिसको सूली कहते हैं यहां पर आप देखते होंगे जीसस क्राइस्ट को ऐसे लटके हुए तो उनके हाथ उनके पैर सब कीलों से ठोके गए बहुत दर्दनाक तरीके से उनको इस तरीके के लकड़ी के सिंबल जो क्रूज या क्रॉस होता है उस पर टांग दिया गया और वो जब तक मरे नहीं तब तक उन्हें लटकाए रखा गया अनलाइक अदर रिलीजन्स जीजस क्राइस्ट सफर अ वेरी पेनफुल डेथ बट यही वो इवेंट है जो जीसस क्राइस्ट को एक अलग लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी दिलाता है ऑल दो ही डाइड बट दोज ह्यूमिलिएट हिम दोज क्रूसीफाइड हिम वो सभी जब उन पर अत्याचार कर रहे थे जब उनको बुरी तरीके से तूली पर चढ़ा रहे थे उन सब के अंदर भी कुछ बदला बिकॉज एक इंसान है जिसको आप इस तरीके से दर्दनाक मौत दे रहे हैं उसके बावजूद वो इंसान लगातार ऊपर सर करके कह रहा है कि हे hey, प्रभु या ओ गॉड प्लीज़ फॉरगिव देम दे डोंट नो व्हाट दे आर हे प्रभु इन लोगों को माफ़ करना ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं ये बात एक ऐसे इंसान से सुनना जो कि बहुत ज्यादा पेन में है ये चेंज कर देती है काफी सारे लोगों को अ चेंज ऑफ हार्ट हैपन्ड बात दरअसल उन्हीं लोगों की नहीं है जो इनको मार करके ले जा रहे थे और सूली में चढ़ाने वाले थे बात उन लोगों की भी है जो उस भीड़ का हिस्सा थे और ये सब देख रहे थे अगर आप भीड़ में देखते हैं कि एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा दर्दनाक चीज़ें की जा रही हैं उसके बावजूद वो दुआ कर रहा है कि इन लोगों का भला हो तो आपको भी उस इंसान को देख कर के गर्व होगा या एटलीस्ट आपके मन में करुणा आएगी आपको यू फेल्ट बैड फॉर दैट पर्सन और इस पूरे इंसिडेंट ने जो कि हुआ धीरे धीरे लोगों के बीच में वो सोच डालनी शुरू कर दी कि यह आदमी शायद कोई आम इंसान नहीं था ही वॉज नॉट अ कॉमन मैन विच वॉज ट्रू इन अ सेंस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो कॉमन इंसान के जैसे नहीं थे क्योंकि कोई भी कॉमन इंसान इतनी आसानी से अपनी को पेन देने वाले को माफ करने की बात नहीं करता है बट जो जीसस क्राइस्ट के साथ रहने वाले लोग थे जो उनके फॉलोअर्स थे अब वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बताने की एकमात्र सोर्स थे यानी कि अगर जो लोग जानना चाहते हैं कि ये इंसान कैसा था ये क्या बातें करता था ये क्या टीचिंग्स देता था तो वो तो मर गया उसको तो आपने सूली पे चढ़ा दिया अब वो क्या कहता था क्या कहता क्या टीच करता था वो सब कुछ वो लोग बता सकते हैं जो उसके साथ दिन रात रहते थे और उन्हीं लोगों ने जो बातें बताई वो बातें धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के तौर पर तब्दील होने लगी लोगों ने उनके कुछ मतलब निकाले और वहाँ से बिलीफ सिस्टम निकल करके आएगा और अल्टीमेटली बाइबल में काफ़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि उनकी होली बुक बनेगी और इस तरीके से एक रिलीजन बन जाएगा क्रिश्चियनिटी जो कि शुरू होता है जीसस क्राइस्ट से तो सिर्फ 33 थ्री की एज में जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांग दिया जाता है और ये अपने आप में उनको पॉपुलर बनाने और इस पूरे के पूरे थॉट सिस्टम को एक रिलीजन बनाने में बड़ी मदद करता है ऑल दो यहाँ पर हो बहुत बुरा रहा है उनके साथ अब कुछ कहानियाँ भी फिर क्रिश्चियनिटी से जुड़ जाती हैं बिकॉज अगर एक फिगर है एक इंसान है जिसको आपको महान दिखाना है हालांकि वो महान है बट दुनिया दूसरी बातों को महान मानती है इसलिए जीसस क्राइस्ट के साथ कुछ मेरेकल्स कुछ चमत्कार भी जोड़े जाएंगे हो सकता है ऐसा हुआ हो हो सकता है ऐसा ना हुआ हो बट एज अ फैक्ट एज अ बिलीफ सिस्टम हमें पता होना चाहिए कि क्या मानते हैं क्रिश्चियंस इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीव ही ही का मतलब जीसस क्राइस्ट ही रोज अगेन ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज बरियल एंड असेंडेड इन टू हेवन जिस दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था यानी कि जिस दिन उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था उसके तीन दिन के बाद या उसके तीसरे दिन वो जहां उन्हें दफनाया गया था वहां से उठ खड़े होते हैं और उनके भक्त कहते हैं या उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि वहां से वो सीधे हेवन की तरफ चले जाते हैं तो ये बिलीफ है उनका ऐसा मानना है उन लोगों का और इसके बाद एक तरीके की कहानी जुड़ गई कि जो ईसा मसीह थे जिसे जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं ये सन ऑफ गॉड थे क्योंकि कोई सन ऑफ गॉड जैसा ही फिगर हो सकता है जो इतना महान हो कि अपने मारने वालों को माफ़ कर दे और जो इतना महान हो कि अपनी मौत के तीन दिन बाद उठे और स्वर्ग चला जाए स्टोरीज अब इनमें आप कुछ मीनिंग्स तलाश सकते हैं और इन चीजों को एज अ फैक्ट समझ सकते हैं तो क्या क्या समझा हमने अभी तक सिक्सटींथ सेंचुरी में रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के झगड़े की वजह से नया सी रूट खोज निकाला यूरोपियंस ने इंडिया आने का और यहाँ से बहुत कुछ मुनाफा जब वो कमाने लगे तो उन्होंने सोचा इंडियंस को भी क्रिश्चियन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और कोशिशें भी की बट अभी हम रिलीजन पढ़ रहे हैं तो हम क्रिश्चियनिटी के भारत में आने को देखेंगे और इस तरीके से मिशनरीज इंडिया में आती हैं उसके बाद हमने देखा क्रिश्चियनिटी जो कि एक अपने आप में रिलीजन है उस रिलीजन की होली बुक है बाइबल और उसके सबसे प्रोमिनंट फिगर हैं जीसस क्राइस्ट जिनको कि थर्टी थ्री ईयर्स की उम्र में एज में सूली पर चढ़ा दिया गया था और इसके बाद से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली हालांकि उनकी डेथ हो गई इस बलिदान की वजह से लोगों ने उनके बारे में जानना समझना शुरू किया और उनसे जुड़ी हुई एक कहानी भी बनती है कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया उसके तीन दिन के अंदर वो अपनी कब्र से उठे और हेवन चले गए और ये जो उनका दिन है इसको ईस्टर डे के तौर पर मनाते हैं जो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ईस्टर डे सेलिब्रेशन होता है जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन के इस कहानी के चलते और ये है ईस्टर डे का आप कह सकते हैं मनाने के पीछे का रीजन मैनी क्रिस्टियन अराउंड ऑब्जर्व गुड फ्राइडे बिफोर द ईस्टर संडे इट रिकमे इट रिट इटोरेट्स जीजस क्राइस्टन क्रूसिफिक्शन एंड डेथ अगर वो कब्र से उठ करके हेवन चले गए और उस दिन को हमने ईस्टर डे के तौर पर मनाया तो उससे ठीक तीन दिन पहले जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन को फ्राइडे का दिन था वो उस दिन को भी अब क्रिश्चियंस मनाते हैं एज गुड फ्राइडे तो ऑलवेज ईस्टर डे आएगा भाई संडे को ईस्टर संडे होता है और उसके तीन दिन पहले पड़ता है गुड फ्राइडे और इस तरीके से ये दो फेस्टिवल मनाने के पीछे रीजन आप समझ चुके होंगे संडे व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड एंड दैट डे इज़ कमेमोरेटेड बिकॉज़ इस दिन हम याद करते हैं कि एक इंसान ने हमारे भले के लिए कितने हद तक गया कि वो हमारे ही हाथों मारा भी गया लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा गया तो दिस इज ईस्टर संडे उसके बाद सॉरी दिस इज गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर संडे आ जाएगा और ईस्टर संडे के दिन वो हेवन पहुंच गए तो ये है मेन बात इसकी इतनी बात शायद हम समझ चुके होंगे जो कि क्रिश्चियनिटी में हमने पढ़नी थी एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस तो अब नई चीज जो है हमें हमने क्रिस्टियानिटी में देखनी है वो क्या है ईस्टर देख लिया हमने गुड फ्राइडे देख लिया हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में जान लिया हमने होली बाइबल के बारे में पढ़ लिया मैंने आपसे कहा था पैटर्न है पूरी दुनिया में जब फैलेगा तो फिर उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाएंगे तो सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा मेजर सेक्ट्स एंड डिविजन्स ऑफ क्रिस्टानिटी वो हैं कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के तौर पर ये याद रखिएगा तो जैसे हीनयान महायान श्वेतांबर दिगंबर नामधारी निरंकारी ऐसे ही कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हर एक रिलीजन में कम से कम दो डिवीजन तो हो ही जाते हैं और उसके बाद उसमें मेजर डिवीजन और होते जाते हैं बट अभी हम वहां से देखते हैं जहां से पहली बार जब वो दो टाइप के डिवीजन या सेक्शंस में बटा तो क्रिश्चियनिटी विथ टाइम ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस वन आर कॉल्ड एज कैथोलिक्स एंड अदर आर कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट्स हु आर कैथोलिक्स

इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में वो जो एक ऑर्गेनाइज रिलीजन बन चुका है जिसमें पोप को अब इस रिलीजन का हेड माना जाता है जो कि जीसस क्राइस्ट से शुरू होता था और अब हमने जब सब मिल कर के इसको एक रिलीजन के तौर पर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट मैनी स्टोरीज केम मैनी इंटरप्रिटेशन केम एंड मैनी टीचिंग्स ऑफ जीजस क्राइस्ट वर प्रीज इन सोसाइटी तो कुछ लोग क्रिश्चियन बने उन लोगों ने ख़ास तरीके से जीना शुरू किया उसमें कुछ ख़ास चीज़ें जोड़ी इन सब चीज़ों की वजह से एक ऑर्गेनाइज रिलीजन बना क्रिश्चियनिटी और अल्टीमेटली इन सब लोगों ने बात की कि एक पोप होगा एक हेड होगा इस रिलीजन का और उसे ही हम अपना सबसे बड़ा रिलीजियस हेड मानेंगे उस समय का पोप तो का कॉन्सेप्ट यहाँ से बना कैथलिक्स वो लोग हैं जो पोप की जो अथॉरिटी है उसमें मानते हैं और वो क्रिश्चियन टीचिंग्स जो सदियों से चली आ रही हैं वही एग्जैक्टली exactly फॉलो करने की बात करते हैं तो ये नो no चेंज वाले लोग हैं ये कुछ नया चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं जस्ट लाइक इन एवरी रिलीजन यू सी देर इज़ अ सेगमेंट हु से दैट वी डू नॉट चेंज विथ टाइम बट प्रोटेस्टेंट्स एक दूसरा ग्रुप निकल करके आया हर एक रिलीजन में एक दूसरा ग्रुप भी निकल करके आता है जो कहता है आज के समय में उस पुरानी बात का ये मतलब होता है मतलब हम इस बात को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे तो वहाँ से नया सेगमेंट निकलता है प्रोटेस्टेंट इमर्ज इन सिक्सटींथ सेंचुरी ये वही समय है जब क्रिश्चियनिटी इंडिया में भी आ रही थी दे बिलीव्ड दैट द सोसाइटी एंड चर्च वॉज इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस इन लोगों ने महसूस किया कि रिलीजन के नाम पर चर्च और पोप जैसे लोग कुछ भी मन चाह कर रहे हैं एक टाइम ऐसा था जब यूरोप में चर्च ऐसे सर्टिफिकेट बांटता था जिसमें लिखा होता था कि आफ्टर दैट यू विल गो टू हेवन और कभी आपने कोई पाप कर दिया कभी आपने कोई सिन कर दिया कभी आपने कोई गुनाह कर दिया तो यू कम टू द चर्च यू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस एंड वी विल इश्यू सर्टिफिकेट टू यू दैट इज द गारंटी फॉर यू दैट आफ्टर योर डेथ यू विल गो टू हेवन डिस्पाइट यू हैव डन समुल मैंने कोई पाप किया और मैं क्रिश्चियन हूं और मैं यूरोप में उस समय पर रह रहा हूं तो मैं चर्च में जाऊंगा मैं फादर से कहूंगा कि मैंने यह पाप कर दिया है क्या मेरा कुछ हो सकता है क्योंकि अब अगर मैंने पाप कर दिया तो मैं मरने के बाद स्वर्ग तो नहीं जाऊंगा तो फादर मुझे कहेंगे कि आप कुछ अमाउंट पे कीजिए हम आपका स्वर्ग जाना तय कर देंगे इस तरीके का धंधा चल बैठा था चर्च के अंदर और इसको देखा लोगों ने और उनमें जो लोग सोचने समझने वाले लोग थे उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट अवर रिलीजन क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि आप सर्टिफिकेट जारी करते फिरे हेवन जाने का और इसलिए उन्होंने चर्च और सोसाइटी जो कि एक स्टेट ऑफ क्राइसिस से जूझ रही थी उसको सुधारने की कोशिश की एंड दे डू नॉट बिलीव इन दी अथॉरिटी ऑफ पोप क्योंकि इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा उस समय पर पोप हुआ करता था एंड दे डिमांड रिफॉर्म्स विद इन क्रिस्टियनिटी और इस चक्कर में ही उन्हें प्रोटेस्टेंट कहते हैं बिकॉज प्रोटेस्टेंट में एक वर्ड है प्रोटेस्ट जिसका मतलब होता है टू अपोज समथिंग। जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं उसको प्रोटेस्ट करना कहते हैं और क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत बुराइयां आ गई थी इसलिए उनका विरोध करना जरूरी हो गया था इसीलिए कैथोलिक्स के बाद जो दूसरा सेगमेंट बनता है उसे प्रोटेस्ट करने वाले या प्रोटेस्टेंट कहते हैं तो एक तरफ है Catholic, जो, जो नोट करने वाली वो देखिए कैथोलिक्स बिलीव इन दी अथॉरिटी ऑफ पोप एंड दे डू नॉट विश टू चेंज एनीथिंग इन क्रिश्चियनिटी और उसके बाद आते हैं प्रोटेस्टेंट जो मानते हैं कि जो चर्च है और जो सोसाइटी है ये एक स्टेट ऑफ क्राइसिस यानी कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही है यहाँ बहुत गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं वी डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ पोप ये वो लोग हैं जो पोप की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कुछ चेंजेज आने चाहिए हमें जीजस क्राइस्ट ने जो समझाया था उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझना है ये हमें सोचना होगा और इस तरीके से दूसरा सेगमेंट प्रोटेस्टेंट्स का आपके सामने आ जाता है तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में दो डिवीजन आपको देखने को मिल जाते हैं नाउ कम्स द बाइबल तो बाइबल की बात भी कर देते हैं सेक्शंस की बात की तो इनकी होली बुक है एक बाइबल बाइबल की बात सुनिए द बाइबल इज द होली बुक फॉलोड बाय क्रिश्चियंस ओके इट कंसिस्ट ऑफ टू कलेक्शन ऑफ बुक्स बाइबल दो तरह की किताबों से मिलकर के बनती है एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट the old testament contains the sacred scriptures of the jews as well as the early christian scriptures the old testament was originally written in hebrew these are the facts <laughs> Fact kya hai? देखिए अगर आपको बाइबल के बारे में जानना है बाइबल इज द कॉम्बिनेशन और द कंपाइलेशन ऑफ टू बुक्स दो किताबों को जोड़ करके आप कह सकते हैं कि ये बाइबल है या बाइबल के दो हिस्से हैं एक है ओल्ड टेस्टामेंट इस ओल्ड टेस्टामेंट में जूश रिलीजियस टीचिंग्स भी हैं सॉरी आर जूस जूस टीचिंग्स भी हैं और उसके बाद जब सॉरी जीजस क्राइस्ट आए क्राइस्ट और उनके बाद के दौर की भी टीचिंग्स इसमें हैं यानी कि जरूरी बातें हैं एक इंस्ट्रक्शन जैसे उपदेश जैसे हैं जूश पीपल कहाँ से आए ये जानने के लिए आपको समझना होगा कि जीजस क्राइस्ट कहां पैदा हुए थे जीजस क्राइस्ट जिस घर में पैदा हुए थे वो जराइल नाम की जो आज की जगह है वहां पर एक जगह थी और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले भी वहां एक तरह का रिलीजन था जिसमें जीसस क्राइस्ट खुद पैदा हुए थे वो रिलीजन जूश रिलीजन था ओके जूश रिलीजन को आप हिंदी में यहूदी धर्म भी कहते हैं ये हैं यहोवा को मानने वाले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यहोवा को मानने वाले जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे तब ऑलरेडी जहाँ वो पैदा हुए वहाँ एक रिलीजन था उसको जोइ रिलीजन कहते हैं और उसके मानने वालों को जू या जू पीपल कहते हैं तो जो ओल्ड टेस्टमेंट है यानी कि जीसस क्राइस्ट आए उन्होंने कुछ टीचिंग्स दी उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई तो ओल्ड टेस्टामेंट्स में जो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले टीचिंग्स चली आ रही थी यानी कि जो जूश टीचिंग का हिस्सा थी प्लस जो जीसस क्राइस्ट ने समझाया या उनके फॉलोअर्स ने इंटरप्रेट किया वो सब कुछ जुड़ता है ओल्ड टेस्टामेंट में और ये लिखी हुई है हिब्रू नाम की लैंग्वेज में हिब्रू आज भी इसराइल की भाषा है जैसे कि हमारे देश में हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और बोडो असमिया नेपाली बहुत सारी भाषाएँ हैं इसराइल जैसे देशों में या फिर यूरोप के अन्य जो बाकी ऊपर के देश हैं वहां पर आपको एक ही तरीके की भाषा देखने को मिलती है तो इसराइल में हिब्रू नाम की लैंग्वेज यूज की जाती है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट तो सिमिलरली न्यू टेस्टमेंट क्या होगी न्यू टेस्टमेंट वो है जिसमें जीजस क्राइस्ट की टीचिंग यानी कि क्राइस्ट और उनके बाद की जो बातें हैं उनको लिखा गया है यानी कि इसमें जो जुश हिस्ट्री है या उससे रिलेटेड टीचिंग्स है वो इसमें शामिल नहीं है तो इस तरीके से बाइबल बनती है ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट से मिल करके और यहाँ पर हमने वही लिखा है कि ओल्ड टेस्टमेंट में ये एक सीक्रेट स्क्रिप्चर है जूश पीपल का इसमें जो यहूदी लोग हैं वो इसे ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसमें अर्ली क्रिश्चियन स्क्रिप्चर जो शुरुआत में क्रिश्चियनिटी में किताबें हुई उनकी बातें लिखी गई हैं और ये ओरिजिनली हिब्रू भाषा में लिखी गई थी वेर एज द न्यू टेस्टामेंट वॉज रिटर्न इन द सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी न्यू टेस्टामेंट बाद में लिखी गई इसमें नया इंटरप्रिटेशन है एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी द ग्रेटर पार्ट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट वॉज एक्सेप्टेड एज अथॉरिटेटिव बाद में ये लिखी गई और धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया इट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी सेवन बुक्स यानी कि कुल मिलाकर के ट्वेंटी सेवन टॉपिक्स हैं जिन पर यह बात करती है एंड वॉज ऑरिजिनली रिटर्न इन ग्रीक

ओल्ड टेस्टमेंट जहाँ हिब्रू में लिखी गई है वहीं न्यू टेस्टमेंट ग्रीक भाषा में लिखी गई है ओल्ड टेस्टमेंट पुरानी है और न्यू टेस्टमेंट नई है न्यू टेस्टमेंट में आपको 27 सेवन टॉपिक्स या 27 सेवन बुक्स एक साथ कंपाइल होकर के दिखती हैं तो ये है क्रिश्चियनिटी और उससे जुड़ी बातें वी कम टू द नेक्स्ट रिलीजन विच इज इस्लाम और ये हमारा आखिरी जो रिलीजन बचा है इन द लिस्ट ऑफ मेजर रिलीजन इसके साथ हमारा जो मेजर रिलीजन का लंबा सा टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा तो इस्लाम में हमें देखने को मिलता है द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम ट्रेस देयर फेथ फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है एंड क्लेम दैट इट वाज प्रीच्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय अ लार्ज नंबर ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो मानते हैं कि इस्लाम की शुरुआत दुनिया की शुरुआत के साथ हो गई थी और समय-समय पर अल्लाह या फिर जो गॉड जिसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जो गॉड है इस्लाम में अल्लाह अपनी बात रखने के लिए या गॉड अपनी बात रखने के लिए समय समय पर अलग अलग, अलग लोगों को भेजता रहता है जिनको हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड या पैगंबर कहते हैं तो यहां पर मैसेंजर का कॉन्सेप्ट है द इस्लाम एज इट इज प्रैक्टिस टूडे ओरिजिनेटेड अराउंड फोर्टीन हंड्रेड एगो इन सऊदी अरेबिया आज से 1400 या 1400 हंड्रेड ईयर्स एगो लग लगभग सिक्स सेंचुरी के आसपास इस्लाम सबसे पहले पैदा हुआ था एज अ रिलीजन या कहें कि इस्लाम सबसे पहले देखा गया हालांकि इसके मानने वाले जो हैं जो इस्लाम के फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया की शुरुआत से ही जो चीज़ शुरू हो गई थी वही इस्लाम है और उसमें जो गॉड है उनका मैसेज देने वाले लोग टाइम टाइम पर आते रहे हैं लेकिन जो आज उसका फॉर्म है जिसको आज आप इस्लाम कहते हो वो आज से 1400 हंड्रेड ईयर्स एगो पहले शुरू हुआ था यानी कि लगभग सिक्स सेंचुरी एडी के आसपास और इस दौरान ये सऊदी अरेबिया में ऑरिजिनेट हुआ था किसकी वजह से हम कह रहे हैं ऐसा बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद इज कंसिडर्ड द लास्ट प्रॉफिट हु प्रेजेंट फेथ ऑफ इस्लाम एंड द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम कॉल्ड मुस्लिम्स क्योंकि यही वो टाइम है सिक्स सेंचुरी एडी के आसपास का जब प्रॉफिट मोहम्मद हुए थे सऊदी अरेबिया में और उन्हें पैगंबर माना जाता है यानी कि उन्होंने गॉड का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाया और इस्लाम के लास्ट मैसेंजर वही थे सऊदी अरेबिया में वो हुए थे इसलिए हम कहते हैं कि जो उन्होंने सिखाया जो उन्होंने उपदेश दिया जो कि अल्लाह का संदेश था एक तरह से जो कि गॉड का एक मैसेज था वही जो मैसेज है वो पूरे तरीके से बना एक रिलीजन जिसको हम इस्लाम कहते हैं और ये सिक्स सेंचुरी एडी के आसपास आया था एग्जिस्टेंस में एज द टीचिंग्स ऑफ पैगंबर मोहम्मद केम टू द एग्जिस्टेंस इस्लाम यहां से बना और इसके मानने वालों को कहते हैं मुस्लिम तो इस्लाम इज रिलीजन एंड द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम्स अर्लिएस्ट कॉन्टेस्ट अब देखो आपको मैंने क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले बताया था कि क्रिश्चियनिटी भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझनी है ना आई कैसे इंडिया में क्रिश्चियनिटी तो वैसे ही इस्लाम इंडिया में आया कैसे उसको देखते हैं द अर्एस्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मुस्लिम विथ इंडिया डेट्स बैक टू एर्थ सेंचुरी तो लगभग 200 साल बाद जब इस्लाम बन गया फिर वो इंडिया में पहुंचा डेट्स बैक टू एर्थ सेंचुरी विथ अरब सी मर्चेंट्स अराइविंग एट दी साउदन सी कोस्ट अरब से पानी के जहाज में जो व्यापारी या मर्चेंट्स इंडिया में आए उनके साथ साथ इस्लाम की विचारधारा क्योंकि मर्चेंट्स इंडिया आएंगे तो यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे लोग उनसे पूछेंगे आप कहाँ रहते थे वहां क्या होता है कौन सा आपका धर्म है तो वो बताएंगे इस तरीके से इस्लाम की शुरुआत हो गई इंडिया का वो इंट्रोडक्शन मिल गया इस्लाम से एथ सेंचुरी के आसपास अरब सी मर्चेंट्स की वजह से तो यहां से इंडिया में इस्लाम शुरू होता है द सेकेंड कॉन्टेक्ट वॉज आफ्टर मुस्लिम इनवेजन ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन इन अर्ली एट सेंचुरी द अरब से आने वाले जो मर्चेंट्स थे उनकी वजह से होता है इस्लाम का भारत से इस दौरान एट सेंचुरी के आसपास का समय है और जो अरब से आने वाले मर्चेंट्स हैं वो इंडिया के साउथ के इलाकों में पहुंचते हैं लेकिन उसके कुछ ही समय बाद इस्लाम के ही मानने वाले कुछ लोग भारत के अलग अलग इलाकों पर आक्रमण करते हैं और उनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद बिन कासिम का जो कि सिंध के इलाके पे हमला करता है और उसे लूटता है और सिंध के इलाके को लूटने के हिसाब से या लूटने के क्रम में इस्लाम के मानने वाले की तरफ से यह पहला एक अफेक्ट है जो कि इंडिया पे पड़ता है और यहाँ से भी इस्लाम के बारे में पता चलता है कि वो जो लूट करके गया वो एक मुस्लिम था इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं तो अब भारत में लगातार कुछ ना कुछ इन्वेजन या आक्रमण होते रहते हैं जैसे फ्रॉम टेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड्स अ नंबर ऑफ इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फॉलोड जो कि आप देखते ही हैं कि भारत में मिडीवल टाइम पीरियड की शुरुआत होती है टुअर्स द बिगनिंग ऑफ द थर्टीन सेंचुरी थर्टीन सेंचुरी आते आते टर्कस जो कि तुर्की के थे अंडर मोहम्मद गौरी जो कि अफगानिस्तान के इलाके पे उस समय राज किया करता था इस्टेब्लिश दमसेल्व एज रूलर्स ऑफ डेली मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी ने सुना होगा मोहम्मद गौरी के आने से एक तरीके से इंडिया में वो लोग भी रूल करने लग गए जो इस्लाम को मानते थे हम रिलीजन को समझने के कंटेक्स में देख रहे हैं कि कहाँ से इस्लाम इंडिया में आया और फैला और वो पहले अरब मर्चेंट्स के थ्रू आता है फिर बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे उनके थ्रू आता है जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी दिस फॉलोड अ वेव ऑफ सूफी सेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु केम टू इंडिया एंड मैनी ऑफ देम सेटल्ड हेयर जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू कम एंड सेटल हियर इन अजमेर जब बहुत सारे इन्वेडर्स इंडिया में आए उन्होंने आक्रमण किए तो उनके आने से और लगातार आते रहने से कई सारे और लोग भी उनके साथ इंडिया में आए जिनमें से आप कह सकते हैं कि कुछ सूफ़ी संत भी इंडिया में आए जो कि सेंट्रल एशिया में हुआ करते थे उन सूफी संतों में से कुछ इंडिया में ही आकर के यहीं बस गए जैसे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी सेंट थे जो इंडिया में आए और यहीं बस गए अजमेर के पास और आज के समय में भी अजमेर में उनकी एक दरगाह है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया में इस्लाम का आना और फिर धीरे धीरे फैलना शुरू हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेनिट्स ऑफ इस्लाम मुस्लिम मस्ट हैव फेथ इन अब हम उस बिलीफ सिस्टम या उन खास प्रिंसिपल या कोर वैल्यूज की बातें करेंगे जिसके थ्रू इस्लाम के बारे में हमें पता चलता है कि एक इस्लाम को मानने वाले को क्या क्या करना चाहिए पहली चीज है इस्लाम के मानने वाले को एक गॉड पर बिलीव करना चाहिए जो कि एक ही है उसका कोई पार्टनर नहीं है दो नहीं है वो एक है वो ओमनी पोटेंट है और ओमनी प्रजेंट है यानी कि वो सब जगह मौजूद है और वो सब कुछ बना सकता है दिस द फर्स्ट बिलीफ ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम द सेकेंड थिंग द बुक ऑफ गॉड रिवील्ड टू डिफरेंट प्रॉफिट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ विच कुरान इज़ द लास्ट दूसरा बिलीफ ये होना चाहिए कि भगवान या गॉड या अल्लाह जिसको भी मानते हैं जिस भी धर्म में तो यहाँ पर अल्लाह की बात है उनकी जो बातें हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं कुरान में और ये हमें हमारे जो प्रोफिट्स या जो उनके मैसेंजर्स थे उन्होंने ये बातें समझाई हैं तो कुरान में लिखी हुई बातें आखिरी हैं उनको ही आपको मानना चाहिए एक खुदा एक अल्लाह पे विश्वास रखो जो कि सब कुछ बनाने वाला है और सब जगह मौजूद है और उसकी बातें लिखी हैं कुरान में उनको आखिरी समझो और उन्हीं को फॉलो करो ऑल द प्रोफिट्स इंक्लूडिंग मोजेज जिनको हजरत मूसा भी कहते हैं इस्लाम में और क्रिश्चियन भी इनको मानते हैं इनको मोजेज कहते हैं तो शुरुआत होती दोनों ही रिलीजन्स की एक ही टाइप के लोगों से है तो आपको यहाँ पर लिंक दिखेगा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ऑल द प्रोफिट इन्क्लूडिंग मोजेस यहां तक कि क्राइस्ट भी वर सेंट एज मैसेजर ऑफ गॉड जीजस क्राइस्ट को भी ये लोग कहते हैं कि वो पैगम्बर ही थे मोस्ट क्रूशल इज द बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड सेंट ऑन अर्थ और आपको मानना पड़ेगा कि समय समय पर बहुत सारे मैसेजर गॉड ने भेजे हमें अपनी बातें समझाने के लिए जैसे कि हजरत मूसा या मोजेस जिसे हम कहते हैं जैसे कि क्राइस्ट और जैसे कि पैगंबर मोहम्मद और आपको ये मानना है एज अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम कि पैगंबर मोहम्मद लास्ट मैसेंजर थे द डे ऑफ जजमेंट ये नेक्स्ट है क्या क्या चीजें मानते हैं इस्लाम को मानने वाले एक गॉड की अथॉरिटी में कुरान की अथॉरिटी में प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट के तौर पर मानने में और चौथी बात है द डे ऑफ जजमेंट वेन द वर्ल्ड कम टू एन एंड द पीपल वुड बी रिवॉर्डेड और पनिस्ड फॉर द डीड्स डन इन देअर लाइफ दिस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल तो इस्लाम के मानने वाले मानते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब सबका हिसाब होगा उसको डे ऑफ जजमेंट कहते हैं जिस दिन डे ऑफ जजमेंट आएगा सभी का हिसाब होगा जिन लोगों ने अच्छा काम किया होगा उनको रिवॉर्ड मिलेगा जिन लोगों ने गलत काम किए होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा उनका हिसाब होगा और इस तरीके से उनको या तो हेवन जो कि अच्छा काम करने वालों को भेजा जाएगा और जो बुरा काम करते हैं हेल उनको वहां भेजा जाएगा तो हेवन को जन्नत कहते हैं और हेल को दो कहते हैं एक सर्टेन लैंग्वेज में इस्लाम के मानने वाले जैसे हमारे यहाँ कहते हैं स्वर्ग और नर्क मतलब हिंदू बिलीफ सिस्टम में इंडिया में और जैसे कहते हैं हेवन और हेल क्रिश्चियनिटी में वैसे ही जन्नत और जो कहते हैं इस्लाम में आखिरी बात इस्लाम के मानने वाले ये मानते हैं कि कुछ फरिश्ते यानी कि एंजल्स होते हैं जो कि गॉड के लिए गॉड के लिए काम करते हैं दे आर नॉट पार्टनर ऑफ गॉड बट वर्शिप गॉड एंड परफॉर्म द टास्क असाइंड बाई गॉड खुदा का काम करने के लिए कई सारे फरिश्ते हैं वो खुदा के पार्टनर नहीं है वो खुदा के साथ उसके बराबर नहीं है लेकिन खुदा अपने काम कराने के लिए कुछ फरिश्ते लाता है और वो फरिश्ते उसका उनका दिया हुआ काम करते हैं ये कुछ खास बातें हैं जो कि एक इस्लाम को मानने वाले को माननी चाहिए अब आते हैं द रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम इस्लाम को मानने वालों को ये बातें माननी चाहिए और उनको ही मुस्लिम कहते हैं एक मुस्लिम की कौन कौन सी रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं उनकी बात करते हैं तो ड्यूटी नंबर वन ही हैज़ टू प्रे प्रेयर करनी है मुस्लिम मस्ट प्रे फाइव टाइम्स पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एक खास तरीका है जिसके तहत प्रार्थना या प्रेयर की जाती है जिसको हम नमाज कहते हैं तो एक सच्चा मुसलमान पांच वक्त का नमाजी होता है यानी कि उसे पांच बार दिन में नमाज पढ़नी है यह कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि अगर आप बार बार दिन में ऐसी चीजें करते हैं तो आपको याद आता है कि आप खुदा में मानने वाले हैं आप सही रास्ते में बने रहेंगे आप भटकेंगे नहीं तो फर्स्ट रिलीजियस ड्यूटी एक मुस्लिम की है कि वो नमाज पढ़े वो भी पांच वक्त की दूसरी रिलीजियस ड्यूटी है उसकी टू पे जकत पेइंग जकत का मतलब अ मुस्लिम मस्ट पे सर्टेन परसेंट ऑफ हिज एसेट्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड रिलीजियस एंड चैरिटेबल परपजेज जिसके पास जितना भी एसेट यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी प्लस पैसा ये सब कुछ है उसका एक पूरा हिसाब रखे और उस हिसाब में जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसका एक परसेंट डिसाइड कर दे टू परसेंट के आसपास जक़ात के तौर पर दे दे मतलब अपने अलावा कुछ सोसाइटी को भी दे उसको जक़ात कहते हैं और जक़ात का मतलब एक तरीके से चैरिटेबल डोनेशन से है तो जितने भी आपकी प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं उनका एक खास हिस्सा आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू जितना डोनेट करना चाहिए रिलीजियस पर्पजेस के लिए मस्जिद में दान दे दो या चैरिटेबल पर्पजेस के लिए किसी अनाथ आश्रम में दे दो दिस इज़ द सेकेंड ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम ऑफ पेइंग जकात थर्ड थिंग इज फास्टिंग रमजान के महीने में एक महीने का फास्ट आपको रखना पड़ेगा रमजान अरेबियन कैलेंडर में एक महीना है जो कि मैंने आपको मुस्लिम या इस्लामिक फेस्टिवल्स पढ़ाते समय बताया था चौथी ड्यूटी है हज पर जाना जैसे कि पिलग्रमेज या तीर्थ यात्रा कहते हैं हमारे यहाँ इंडिया में हिंदी में वैसे ही वहाँ इस्लाम जहाँ पैदा हुआ वहाँ हज करना उसे कहते थे तो एवरी मुस्लिम ऑफ सब्सटेंशियल मीन्स मस्ट पे विजिट टू काबा विच इज़ इन मक्का एंड दीज ऑल प्लेसिज आर इन सऊदी अरेबिया to perform हज at least once in the lifetime. जो भी मुस्लिम व्यक्ति जिसके पास ठीक ठाक पैसा है यानी कि सब्सटेंशियल मीन्स वाला है उसको अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो काबा जाना ही चाहिए काबा कहाँ है काबा मक्का में है और ये मक्का नाम की जगह कहाँ है ये सऊदी अरेबिया में है तो जैसे भारत में दिल्ली और दिल्ली में कोई खास जगह जैसे कि चांदनी चौक वैसे ही सऊदी अरेबिया में मक्का और मक्का में काबा काबा वो जगह है जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने उपदेश दिए थे इसलिए वो सबसे होली प्लेस माना जाता है इस्लाम का और वहाँ जाना यानी कि सबसे बड़ी बात है किसी मुस्लिम के लिए और ये अपनी लाइफ टाइम में एक बार तो उसे कर ही लेनी चाहिए जो कोई भी मुस्लिम ठीक ठाक पैसा कमाते हैं वो तो ये है मेन ड्यूटीज ऑफ अ मुस्लिम और अब हम फिर से उसी ट्रेंड पर आ गए हैं कि कौन कौन से सेगमेंट बने इस्लाम में तो जल्द से जल्द इनको भी देख लेते हैं पहला सेक्शंस है सुन्नियों का इस्लाम में भी डिवीज़न हुए और वो डिवीज़न दो रूप से हुए फर्स्ट आर सुन्नीज़ सुन्नीज़ कौन है दे बिलीव दैट आफ्टर प्रॉफिट द सक्सेशन ऑफ खेलिप्स जिनको खलीफा भी कहते हैं वॉज एज पर टेनिट्स ऑफ इस्लाम द प्रॉफिट वॉज सक्सीडेड बाई खेलिप्स लाइक अबू बकर उमर उस्मान एंड अली सुन्नी वो लोग हैं जो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खलीफाओं का दौर आया जो कि इस्लाम को संभालने के लिए एक खास नाम दिया जाता है खलीफाओं में सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर उसके बाद बने उमर उसके बाद बने उस्मान और उसके बाद बने अली जो लोग इस सीक्वेंस में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खलीफा नाम की जो कॉन्सेप्ट निकल कर के आया उन खलीफाओं को इस सीक्वेंस में मानते हैं वो हैं सुन्नी दूसरी बात दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ कुरान एंड सुन्ना सुन्ना का मतलब है यहाँ पर ट्रेडिशन से जो कुछ चला आ रहा है इस्लाम के मानने वालों में वो एग्जैक्टली exactly वैसा ही फॉलो होना चाहिए ये पैटर्न है हर एक रिलीजन में एक धड़ा एक ग्रुप कहता है एग्जैक्टली exactly जो हो रहा था वही होना चाहिए दूसरा कहता है नहीं कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है चीज़ें बदल चुकी हैं तो ये मानते हैं खलीफाओं के एक लीनियज में जो बकर से शुरू होता है दूसरा ये मानते हैं अथॉरिटी ऑफ कुरान में और सुन्ना यानी कि ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम में जो कि प्रॉफिट ने सेट किया था अपने टाइम पीरियड में दे रिकोगनाइज नो अदर अथॉरिटी एज लेट एज अब दीज टू तो सुन्नी वो लोग हैं जो अबू बकर आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद अबू बकर को खलीफा मानते हैं कैलिफ भी क्या उस कहते हैं उनको कुरान में इनका विश्वास है और जो सुन्ना जो प्रॉफिट मोहम्मद ने चीजें बता दी थी सेट कर दी थी उसमें बिलीव करते हैं आइए शियाज़ को देखते हैं दिस इज द सेकेंड सेगमेंट वाइल एक्सेप्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ कुरान तो ये भी कुरान को मानते हैं द ऑफ प्रॉफिट द शियाज डिफर विद द सुन्नीज इन द मैटर ऑफ सक्सेशन आफ्टर प्रॉफिट तो शिया में भी ये भी कुरान को मानते हैं ये भी सुन्ना यानी कि ट्रेडिशन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने सेट कर दिया था उसमें मानते हैं लेकिन ये खलीफा के वाले लीनियज को नहीं मानते यानी कि अबू बकर को खलीफा नहीं मानते हैं इनका मानना क्या है दे बिलीव दैट प्रॉफिट शुड हैव बीन अली हु हैली हुसो द कजन एंड सन इन लॉ ऑफ द प्रॉफिट शियाओं का मानना है कि खलीफाओं का दौर अबू बकर से शुरू नहीं होना चाहिए था अबू बकर नहीं है पहले खलीफा आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद अली हैं पहले खलीफा आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद एंड दिस इज द डिवीजन आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद या प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद एक तरीके का डिस्प्यूट एराइज हो गया और उसमें कुछ लोगों का मानना था कि अबू बकर को बनाना चाहिए ख़लीफ़ा और कुछ लोगों का मानना था कि अली को बनाना चाहिए और ये इस डिस्प्यूट की वजह से दो सेगमेंट बन गए एक को शिया कहा गया एक को सुन्नी कहा गया अली प्रॉफिट के ही दामाद थे प्लस उनके कज़न भी लगते थे और इनको जो लोग खलीफा मानते हैं और बाकी अबू और उस्मान को ख़लीफ़ा नहीं मानते हैं उनसे पहले के वो लोग शिया हैं मां की सारी बातें उनकी सेम है द शियाज बिलीव दैट दी अदर थ्री देयर पोजिशन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम माँ की जितने खलीफा थे वो धोखे से खलीफा बने ये कहते हैं और इस वजह से शिया और सुन्नी दो सेगमेंट के बीच में बहुत ज्यादा टसल रहता है इन ड्यू कोर्स अ नंबर ऑफ माइनर डिफ्रेंसेस अरोज गिविंग राइज टू अ वेल डिफाइंड सेपरेट सेक्ट समय के साथ साथ इस तरीके से जो दो ग्रुप्स बने पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद अबू बकर को खलीफा मानने वालों का एक गुट बना जिसको सुन्नी कहा गया और अली को खलीफा मानने वालों का दूसरा गुट बना जो कि लेटर ऑन सुन्नियों ने भी अली को माना लेकिन चौथे नंबर का खलीफा माना इन्होंने उन्हें पहले नंबर का खलीफा माना तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद अबू बकर को मानने वाले सुन्नी अली को मानने वाले शिया और फिर ये अलग अलग होते गए इनके जीने का तरीका बदलता गया इस तरीके से मुस्लिम धर्म के अंदर या इस्लाम के अंदर ही दो सेगमेंट बन गए जो बहुत अलग अलग तरीके से अब बिहेव करते हैं ऑल दो ये दोनों ही सेगमेंट कुरान में मानते हैं तो शियाज़ कंसिडर अली एंड हिज हेयर्स हेयर्स का मतलब सक्सेसर्स अली के बाद जिन्होंने उनकी पोजिशन को संभाला उनको हेयर या वारिस कहते हैं एज द इमाम्स अली और उनके बाद के जितने भी लोग आए उनको इन्होंने इमाम कहा खलीफा नहीं इमाम लीडर ऑफ कम्युनिटी होता है अ टोटल ऑफ ट्वेल्व इमाम्स आर इमाम बाय शियाज लगभग बारह इमाम उसके बाद आए द शियाज ऑल्सो बिलीव दैट द पास्ट ऑफ इमाम द पोस्ट ऑफ इमाम इज अशल फेवर गिवन बाई गॉड टू दूज फ्यू इन्होंने कहा कि इमाम वही बन सकता है जिसको कि अल्लाह ने चुना हो और इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर के शिया है ऐसे आपको शिया और सुन्नी दो डिवीजन दिखते हैं और ऐसे हमारा इस्लाम पर जो चर्चा है वो भी ख़त्म होती है लास्ट में आपको यहाँ पर इंडियन ओरिजिन वाले रिलीजन और इंडिया से बाहर ओरिजिनेट हुए रिलीजन्स के बारे में बता दिया है हिंदुज़म जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले फलता फूलता है वैदिक कल्चर के साथ सिखिज्म पंजाब के रीजन में फलता फूलता है उसका ओरिजिनेशन होता है बुद्धि बुद्धिज़म इंडो नेपाल बॉर्डर रीजन में होता है क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जहाँ हुआ था वो प्लेस आज नेपाल में है और जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो जगह आज बिहार में है इंडो नेपाल रीजन में बुद्धिज़्म फैला जैनिज़्म गंगा रिवर बेसिन में जहाँ पर महावीर स्वामी रहा करते थे यानी कि यूपी और उसके आसपास का इलाका वहाँ फैला क्रिश्चियनिटी की बात करें ये भारत से बाहर जेरोसलम में शुरू हुआ था और इस्लाम की बात करें तो ये वेस्टर्न अरेबिया यानी कि सऊदी अरेबिया में मक्का के पास शुरू हुआ था और इसके साथ ही हमारे जो मेजर रिलीजनस हैं वो होते हैं कम्प्लीट अगर आपके कुछ क्वेरीज हों तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें वेबसाइट को चाहें तो विज़िट करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मुझे लगता है आज जो मेजर रिलीजन वाला पोर्शन पूरा हुआ है उसने आपको काफ़ी ज़्यादा मदद की होगी इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एज़ वेल एज इन गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर रिलीजनस ऑफ इंडिया अब अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय